बेटे की शादी के कपड़े देख मेजर चित्रेश की मां के छल के आंसू। भारत पाक सीमा पर नियंत्रण रेखा के करीब आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट का अंतिम संस्कार आज देहरादून में किया जाएगा। शहीद चित्रेश बिष्ट की 7 मार्च को शादी थी। हाल ही में वे खरीदारी कर वापस ड्यूटी लौटे थे और 28 फरवरी को उन्हें घर आना था। घर पर अलमारी में रखे उनकी शादी के कपड़े देखकर परिजनों के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। पिता, माँ और परिजन कह रहे थे कि बेटे तेरी शादी के लिए बड़ी शौक से ये कपड़े लिए थे, अब इन्हें कौन पहनेगा, यह देख वहाँ मौजूद सभी रोते दिखे। शहीदों के लिए जुटाई राशि। चक्राता रोड स्थित IMA भवन में शोक सभा में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि शहीदों के परिजनों के लिए डॉक्टर धनराशि एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर BS जज सचिव डॉक्टर DD चौधरी डॉक्टर विजय त्यागी डॉक्टर रोहित अरोड़ा डॉक्टर विपुल कंडवाल डॉक्टर जुत्सी आदि मौजूद रहे। हर किसी की आंखें नम, दिल में गुस्सा। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर का हर आम खास उनके घर पर उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी तो दिल में आतंकवाद के लिए गुस्सा था। हर कोई शहीद के पिता पूर्व इंस्पेक्टर SS बिष्ट को गले लगकर ढाढ़स भगदा रहे थे। वहीं कुछ युवा उनके घर के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हर कोई पाक की नापाक हरकत को कोस रहा था, सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा था। भारत पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा के करीब आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए देहरादून निवासी मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर रविवार दोपहर सेना के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ SDM डोईवाला लक्ष्मी राज चौहान, तहसीलदार शूरवीर सिंह राणा, एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा, डोईवाला कोतवाल राकेश सिंह गुसाई, जॉली ग्रांट पुलिस चौकी इंचार्ज महावीर सिंह रावत ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ नमन भी किया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून ले जाया गया। दुश्मनों से बदला लेने दोबारा आएगा चित्रेश। शहीद चित्रेश के पिता SS बिष्ट को ढाढ़स बंधाने गांव से बड़े भाई पहुंचे। वह ढाढ़स देते हुए कहने लगे, हम तो पुलिस वाले रहे हैं, ये सब देखा है, अब खुद को संभाल। लेकिन पिता फफक फफक कर रोने लगे। इस पर SS बिष्ट के बड़े भाई ने उन्हें कहा कि सोनू फिर आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, वह दुश्मनों का बदला लेगा। लेकिन पिता एक ही बात करते रहे, अब यह सब बकवास है, कुछ नहीं, जो जाना था वह चला गया।